तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के बारे में। दोस्तों, आज पहली बार फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जब हमने गारमेंट बिजनेस शुरू किया था तो मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई। और मैं नहीं चाहता कि आप जैसे बहुत सारे लोग जो गारमेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनसे ये गलतियाँ हों। तो राहुल एक लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और मैंने कहा था कि आपको कि एक रेगुलर सीरीज हर दिन एक नया वीडियो लेके आऊँगा और उसमें आपको गारमेंट बिजनेस का पूरा भरपूर ज्ञान दे देंगे, और एक एक करके वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि गारमेंट बिजनेस में क्या मैंने ऐसी गलतियाँ की जो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी गलतियों के बारे में नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप कभी भी फ्यूचर में ना मत करें। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले गलती जो दोस्तों मैंने की थी वो क्या किया था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी मेरी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, ना कोई मुझे इतना परचेज का पता था। तो जो मैंने परचेज भी कर ली बहुत ही ज़्यादा गलत कर ली। और जो मैंने बिजनेस स्टार्टिंग में किया था वो मैंने क्या किया था, गारमेंट बिजनेस मल्टीपल बिजनेस शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में। और जो मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी वो लगाई थी 4.5 लाख रुपये। अब देखिए दोस्तों, 4.5 लाख रुपए में मैंने गारमेंट बिजनेस शुरू तो कर लिया, पर लेकिन क्या होगा कि 4.5 लाख में मैंने क्या किया, मेंस का भी रख लिया, किड्स का भी रख लिया, और बच्चों का भी रख लिया, लड़कियों का भी रख लिया, और लेडीज सूट भी रख लिए, लेडीज कुर्तियाँ भी रख ली, लेडीज अनस्टिच भी रख लिया। दोस्तों, मैं एक स्टार्टअप था, मुझे इतना कपड़े के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो मैं काम करता था मैं कंपनी में एक सुपरवाइज़र था, जूनियर सुपरवाइज़र था, और मेरा मैकेनिकल लाइन का काम होता था। तो वहाँ से मैंने एकदम से गारमेंट बिजनेस छोड़ के एकदम से गारमेंट बिजनेस शुरू कर लिया। अब क्या हुआ कि वहाँ से मैं एकदम यहाँ आया और मुझे इतना तो गारमेंट का भी पता नहीं था, बट ये बचपन से था, क्लियर था प्लस टू से ही, जब मैंने प्लस टू किया था तो कि अपना बिजनेस करूँगा, कि अपना बिजनेस जैसे मेरा सेटअप बढ़ जाएगा कि मैं कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बिजनेस करूँगा। क्योंकि क्या होता था, जब मैं प्लस टू में पढ़ता था तो मेरा कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मार्केटिंग में और बिजनेस मार्केटिंग मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, और अकाउंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं स्टार्टिंग से ही बिजनेस करना चाहता था, बट कुछ हालात ऐसे थे कि मेरे को अपना वो ये छोड़ के अपना जॉब वगैरह करना पड़ा, मैं बिजनेस नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो जब मैंने ये शुरू कर दिया यहाँ पे, जब मैंने कंपनी छोड़ दी और 5.5 साल मैं वहाँ पे एज ए जूनियर सुपरवाइज़र रहा, और उसके बाद जब मैंने वो छोड़ के अपना गारमेंट बिजनेस शुरू करने की सोची, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। एक स्टार्टअप मैं करने लगा और स्टार्टअप में 4.5 लाख रुपये मैंने लगाए, तो 4.5 लाख रुपये में मैंने मेंस का रखा, बच्चों का रखा, लड़कियों का रखा, और हमने रखा इसमें लड़कियों के टॉप्स वगैरह, लड़कियों की पैंटें होगी, और फिर लेडीज सूट और लेडीज कुर्ती का भी काम शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, जब हमने काम तो शुरू कर दिया, पर लेकिन क्या हुआ, इतना सारी वैरायटी एकदम से, हम एकदम से जब से मैंने दुकान ओपन की उस दिन तो हमने अच्छी खासी सेल कर ली, 20,000 मेरी फर्स्ट सेल थी जब मैंने दुकान ओपन की थी पहले दिन, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, लोग आए थे, वो वहाँ पे आए थे, विजिट किया था, उन्होंने परचेजिंग की थी। फिर क्या हुआ कि वो आए थे उस दिन तो मेरी अच्छी खासी सेल हो गई, फिर धीरे धीरे हमारी सेल कम होती रही और मुझे नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, क्या गलतियाँ मैंने कर दी ऐसी जिस कारण मेरा बिजनेस कम हो गया। बट मुझे एनालाइज हुआ धीरे धीरे, ये बातें एनालाइज हुई कि मैंने जो अपना पैसा 4.5 लाख रुपये जो मेरे पास था, मेरी पूरी 4-5 साल की जो मेहनत थी वो मैंने लॉस कर दिया था। क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे पास मेंस में भी ना पूरी वैरायटी थी, ना ही मैं लेडीज सूट में पूरी वैरायटी कर पा रहा था, ना ही मैं किड्स में वैरायटी पूरी कर पा रहा था, ना ही मैं बच्चों में वैरायटी पूरी कर पा रहा था। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सीरीज देखनी पड़ेगी। मैंने उस सीरीज में बताया कि गारमेंट बिजनेस सोचिए कि करना किसका है, मल्टीपल काम मत करिएगा। अगर आपका कैपिटल कम है, 4.5 लाख रुपए में कैपिटल बहुत कम है, तो आप मल्टीपल काम नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं। आप एक चीज का काम करिए और वो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिला देगा।
आप बच्चों का कर लीजिए, आप लेडीज का कर लीजिए, आप स्टिच का कर लीजिए, अनस्टिच का मत करिए, अनस्टिच का करें तो स्टिच का मत करिए। ऐसे जब आप व्यापार करेंगे ना दोस्तों, तो आपका व्यापार बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। ठीक एक साल बाद मुझे एनालाइज हुआ कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया, और एक साल बाद मुझे ये पता लगा कि वाकई में मैंने गलत किया। तो जो चीज़ मेरी बिक रही थी, फिर मुझे पता तो लग गया भी ये मैंने गलत कर दिया, फिर जो माल मैंने खरीदा था उसका मैंने 50% ऑफ पे वो बेच दिया, जिस रेट पे खरीदा था उसका आधे रेट पे वो माल मैंने बेच दिया, ख़त्म कर दिया। मैंने सबसे पहले तो लेडीज अनस्टिच सूट ख़त्म करे, लेडीज़ की कुर्तियाँ वगैरह हमने बिल्कुल एग्जिट कर दी अपनी दुकान से। और अब मैंने क्या किया, धीरे से थोड़ा सा पैसा और अरेंज करके बैंक से थोड़ा सा सिस्टम बनाते हुए, तो मेरे को पता लग गया था, और जो मेरा बिकता था उसमें मैंने और ज़्यादा वैरायटी बनाई। ठीक है दोस्तों, आज हम अपने बिजनेस में हम मेंस में और किड्स वेयर का काम करते हैं, और लड़कियों के जींस टॉप का काम करते हैं। ठीक है जी, लड़कियों में सिर्फ जींस और टॉप, इसके अलावा हमारे पास लड़कियों का कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारी स्पेशलिटी है, हमारे पास इन्हीं में बहुत अच्छा काम भी है। ठीक है, तो एक गलती और, जब मेरे को एक साल हुआ तो एक साल में तो मेरे को ये पता लग गया था मैंने गलती कर दी। जब मेरा बिजनेस थोड़ा फ्लो में आया, मैंने थोड़ा सा बैंक से पैसा उठाया और फिर मैंने और पैसा लगा दिया इसमें, और अब मैंने क्या किया, एक दुकान थी पहले मेरी, अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखें तो मेरी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी जैसे ये यहाँ तक, फिर मैंने क्या किया दूसरी दुकान ली। तो जब दूसरी दुकान ली तो मैंने एक और गलती कर बैठा, मैंने लोअर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। अब दोस्तों देखिए, एक स्टार्टअप मैं कर रहा था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मैंने जैसे तैसे करके लोअर का स्टिच कराने का काम शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अपने ब्रांड के नाम से ही लोअर शर्ट और मैं ये चीज़ें बढ़ा सकता हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने सेम एजिटीज ऐसा ही कुछ करने की सोची और मैंने कर दिया। आप सोचो कि मैं इतना स्टार्टिंग में था और मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है अपनी लाइफ की। मैंने इसमें क्या किया, लोअर मैन्युफैक्चरिंग पे मैंने कम से कम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, और 1,00,000 रुपये में से मुझे 10,000-15,000 रुपये भी हाथ मुश्किल से आए। 1,00,000 रुपये लगाए थे और उसमें से 10,000-15,000 रुपये भी मेरे हाथ में बड़ी मुश्किल से आए थे। क्या हुआ कि हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। पहले तो जहाँ से हमने कपड़ा खरीदा, पहले तो हम कपड़ा खरीद के लेके आए, कपड़े की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, अनस्टिच कपड़ा खरीदना, और फिर वो जो बंदा था जिसको हमने काम दिया था वो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था, उसकी मशीनें उसके लिए कैपेबल नहीं थी जो हमने कपड़ा खरीद लिया था। अब हमने कपड़ा भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में खरीदा था, ना उनसे हमारी बातचीत थी कि वो रिटर्न हो जाएगा, तो फिर हमने कहीं ना कहीं उस बंदे को छोड़ दिया जिसको हमने वो काम दिया था कि आप लोगों का हमारा काम करो, उस बंदे को छोड़ा, दूसरे बंदे को पकड़ लिया जिससे हमने अपना काम करवाया लोअर का। हम शर्ट का कपड़ा भी लेके आए, अब शर्ट के जो हमने कपड़े भी खरीदे दोस्तों, उसमें भी जो कपड़ा था ना वो भी कपड़ा अच्छा नहीं था, और उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई हमारे को। हमने शर्ट का जो कपड़ा खरीदा वो टोटली बहुत नुकसान हुआ था उसमें, और मुझे मेरे माइंड में ऐसा कैसे आ सकता है, मतलब आप सोचो कि एक स्टार्टअप मैं कर रहा था, इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी कि मैं अपना ब्रांड के नाम से मैन्युफैक्चरिंग लग गया था करवाने, अच्छी खासी सेल की हमने पर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई। कुल मिला के जो हमारा लॉस ही हुआ इस काम में, और मैंने जो बचा कुचा माल था, कपड़ा था, वो कैसे कैसे मैंने उसे ऐसे थोड़े कम रेट में निकाल दिया। मतलब अगर मैंने 1,00,000 रुपये लगाए तो मैंने 20,000 रुपये ही वसूली कर पाया मैं उससे, जो सेल परचेज कर रही वो प्रॉफिट लॉस हुआ वो सब कर कर आके मतलब मेरे को 80,000 रुपये का लॉस हो गया इसमें। तो इसके अलावा मेरे से क्या हुआ कि मेरे से और भी गलतियां होगी कि दुकान हमने ना स्टार्टिंग में बहुत छोटी ले ली थी। अब जैसे जैसे मैं ये चीज़ें कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, काम भी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट भी करता था, मार्जिन कम लेता था, सेल अच्छी करता था, माल बिकता था, ऑटोमेटिक बिक जाता है, आज भी बिकता है, कल भी बिक रहा था, और अब तो बेचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बिक जाता है, आने से पहले बिक जाता है। तो इस दौरान मैंने क्या किया, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। एक गलती और हो गई थी मेरे से कि जैसे कि हमने छोटी सी दुकान ले ली थी, दुकान क्या हुआ था, दुकान छोटी थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा था, साल दो साल हुए, दो साल के बाद हमारी दुकान, हमें दो दुकानें ले ली थी, फिर मैंने तीन दुकानें ले ली। अब ये तीन दुकानें तो ले ली पर, लेकिन ये दुकानें अलग अलग मालिक की थी, और तीनों की दोबारा निकलवा के हमने पूरी दुकान बना दी बड़ी सी। तो उसमें क्या हुआ कि वो रेंट के लिए
बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लग गए थे मेरे को, परेशान करने लग गए थे, तो जिस कारण वो दुकान मैंने खाली कर दी। तो उसकी जगह मैंने एक और बंदे की दुकान ली, वो थोड़ी सी और बैकवर्ड चली गई थी, पीछे चली गई थी मार्केट में, तो उसके कारण भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो छोड़ के वो एज इट इज दोबारे लगवानी, उसमें लाख 1.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा आया। तो जो मैंने दूसरे साल में जो प्रॉफिट अर्न किया वो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट वहाँ इन्वेस्ट हो गया। इसके बाद फिर मैंने तीसरी दुकान ली थी जो बड़ी थी, उसके तीनों मालिक अलग थे, तीनों दुकानों की एक दुकान बनाई थी वो अलग थी। फिर दोस्तों वो भी क्या हुआ कि उस मालिक के साथ भी कुछ सिस्टम नहीं बना हमारा, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट जो होते हैं ये कच्चे एग्रीमेंट थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप भी इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए, अगर आप दुकान ले रहे हैं ना रेंट पे, तो कम से कम 10 से 15 साल की बात करके ठोक बजा के दुकान लीजिए, पक्के एग्रीमेंट पे काम करिएगा, तभी आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कच्चे में काम कर रहे होंगे, आपने रेंट एग्रीमेंट पक्का नहीं बनाया होगा, तो मकान मालिक कल भी कह सकता है भाई खाली कर दो, नहीं तो रेंट बढ़ाओ। आपका काम चल पड़ा अपने धंधा जमाने के लिए, उनको नहीं पता भी उन्होंने आपने क्या क्या पापड़ बेले। पर जब आपका व्यापार चल जाता है ना, तो ये मकान मालिक होते हैं, ये मालिक होते हैं ना, जो वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाते हैं। हमारे साथ 3 बार ऐसा हो चुका है, और अब हमने यहाँ पे एक सेटअप लिया है, इसका भी हमारे पास जो एग्रीमेंट है ये हमारे पास 5 साल का एग्रीमेंट मिला है हमारे को, ठीक है ना। पर मेरी जो बात थी वो 15 साल की थी इनसे, बट इन्होंने कैसे एंड में गड़बड़ करके 5 साल पे हमें टिका दिया। तो 5 साल का ये एग्रीमेंट है, और हमारे पास इस दुकान का जो रेंट है अब हमने फाइनली जो ली है ये 22,000 रुपये कुछ की हमने ली है। तो दोस्तों अगस्त में हमने यहाँ पे इस सेटअप को लिया, ये पूरा सेटअप देख सकते हैं आप, ये हमने 5 साल का पक्का रेंट एग्रीमेंट करवा के ये हमने दुकान ली है, ठीक है। तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा करके एक अच्छा सेटअप ले सकते हैं, पर ये गलतियाँ जो मैंने की आप मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि व्यापार ना चलाने से चलते हैं। अगर ऐसी गलतियां करेंगे जो आप कमाएंगे वो आपका खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। पर इन गलतियों से मैंने ये सीखा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी दुकान कर रहे हैं, पहले तो उसका पक्का एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, और कम से कम आपको जो एग्रीमेंट लेना है वो 10 से 15 साल के लिए लेके चलना है। अगर आप दुकान रेंट पे ले रहे हैं, अगर आपकी अपनी है तो वेल एंड गुड है, पर अगर लेकिन अगर आप किराए पे लेते हैं तो 15 साल या 10 साल का एग्रीमेंट पक्का लेके चलिए। अगर जो नहीं दे रहा है तो वहाँ पे आप मत बैठिएगा, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना है, कुछ भी अपने काम के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। आप एक सिंगल फोकस बना के काम करिए कि आपको मेंस का काम करना है, लेडीज़ का काम करना है, जेंट्स का काम करना है, या किड्स वेयर का काम करना है। देखिए इसमें मैंने कितना लॉस किया है आपको सोच भी नहीं सकते, मैंने 4.5 लाख रुपये लगाए थे और मैंने 4.5 लाख रुपये ही लॉस कर दिए थे। जब मुझे ये पता लगा 4.5 लाख रुपये लगा के 4.5 लाख रुपये का ही लॉस कर दिया मैंने एक साल में। मुझे नहीं पता था कि परचेजिंग कैसे करनी, पहले तो पता ही नहीं होता है कि माल कैसा खरीदना है, आपके एरिया में क्या चलता है, ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, लोगों की डिमांड ही नहीं पता लगती है ना। आप अलग अलग तरीके की क्वालिटियाँ ले आते हैं पर दिक्कत हो जाती है, ऐसे ही मैंने किया था। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। एक चीज़ में पकड़ बनाओ, आपका जब सेटअप बन जाएगा ना, एक अच्छा पकड़ बन गया, 4 साल 3 साल काम कर लिया, 5 साल काम कर दिया एक ही चीज़ में, अब आप दूसरी चीज़ ऐड कर सकते हो इसके साथ, पर दूसरी कर सकते हो, ये नहीं तीसरी और चौथी इकट्ठी ऐड कर दी, नहीं दूसरी करिए फिर तीसरी कर लीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। स्पेस चाहिए उसके लिए आपको, ये नहीं उसी दुकान में और आइटम डाल दी ना, ऐसे काम नहीं बनेगी, फिर आपको स्पेस भी चाहिए पड़ेगा, है ना। तो उसके ऊपर भी काम करिए। और एक आपको मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग आप कभी भी मत करिएगा। आप एक रिटेल आउटलेटर हैं, आप एक रिटेल का काम कर रहे हैं, या तो आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना ब्रांड नेम बना के कुछ उस तरीके से काम करना है, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए, अदरवाइज आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको बड़ा बड़ा मटेरियल 250 रुपये 230 रुपये में लोअर वगैरह मिल जाते हैं, तो आपको बनाने की जरूरत ही क्या है। आप रेडीमेड लेके आओ, फालतू में सिरदर्दियाँ क्यों पाल ली, उसका कपड़ा भी खरीदो, उसमें एसेसरी लगाओ, फिर उसको बेचो, है ना। इधर सीधा साधा बना बनाया माल आएगा, आपको सिर्फ बेचना है और अपना मार्जिन लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी गलतियाँ करने के बाद ही मुझे पता लगी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये गलतियाँ करके ना मैंने जो 3 साल में अर्न किया था वो कहीं ना कहीं मैंने लॉस किया है। और मैंने इनसे ये सिखाया है कि ये गलतियाँ मेरे को फ्यूचर में ज़िंदगी में कभी भी नहीं करनी है, और मैं ये गलती कभी भी नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आएगा,
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इससे वैल्यू क्रिएटिव हुई और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।